अच्छा क्या कुछ है? ओ हो चेन्नई। अच्छा वो राख से नाम से मैं जेब में हेलो ये देखा आप तो कटाई रहे हो आप तो आपने कटाई कर दिया क्या आप श्री राजपूत कर्णी शर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नव जोन 2 अप्रैल को मौत करने के हमारे दरबार में प्रदेश अध्यक्ष आप राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है हमारे अभी कार्यकारिणी विस्तार हुआ है, मुझे अभी 2 तारीख को प्रमोट करा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आप हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया, और इनका अभी पहली बार इस राजस्थान के दौरे पे हम लोग निकले हैं। पहले ही हमारा ये अजमेर में आगमन है, यहाँ स्वागत समारोह था, और आज पीरदान सिंह जी जो हमारे पिछले 700-800 दिनों से यहाँ विराजमान है, हम पहले भी यहाँ आके गए, आज इनसे मिलने का एक औचित्य प्रोग्राम था कि जो हमारे समाज का व्यक्ति है उसकी पीड़ा को क्यों नहीं देखा जा रहा, और नए नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, इनको इस बात का अवगत कराना भी जरूरी है, क्योंकि हम भी इनकी हकों के लिए लड़े हैं, समाज के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए राजपूत कर्णी सेना लड़ती आई है। और आज पीरदान सिंह जी के यहाँ पहुँचने का रीज़न यही था कि पीरदान सिंह जी जो हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, अपनी एक मांग को लेकर जिसकी जांच के लिए मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक बोल चुके हैं, और क्या कारण है कि आज इनकी जांच को नज़रअंदाज किया जा रहा है, आने वाले दिनों में एक रणनीति तय की जाएगी, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, और ज़्यादा अभी क्या मेरा खुद का राष्ट्रीय स्तर पर काम बढ़ गया है, नहीं तो अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे नए बने हैं कर्ण प्रताप सिंह जी, और मैं इनको यही अवगत कराने लाया था कि अब इसके ऊपर आप लोग यहाँ जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र हैं उसमें एक किस तरीके की रणनीति तय करके इनको इंसाफ दिलाए, इनके साथ बाकायदा इंसाफ हो, जो भी ये मांग को लेकर बैठे हैं, जिसकी मांग की कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, तो उन मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा, उस पर क्यों नहीं जांच कराई जा रही, ये सीधी साधारण सी जांच मांग रहे हैं, CID जांच की स्तर की जांच मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं दी जा रही वो जांच, इतना क्या बड़ा लेवल का प्रेशर है। अगर कोई व्यापारी है तो इस लेवल का अगर प्रेशर वो सरकार पर डेवलप कर सकता है, तो जनता किस तरीके का प्रेशर डेवलप कर सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी, मैं आपको यहीं पे बोल के गया था, अगर इस सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हम लोग किस तरीके से इनको जवाब देंगे, ये आपके सामने है। कर्णी सेना को बताने की जरूरत नहीं है, हमने खुला मंच लगा के यहाँ पे बकायदा विरोध किया था कि इस लोकसभा में जो उपचुनाव यहाँ हुए हैं इसमें BJP को हराएंगे, और आपके सामने पहली बार इससे बड़ी तादाद में हमने BJP को सबक सिखाया, जिससे BJP जिसको 90% तक राजपूत हम हमेशा वोट देते आए हैं, पर क्या ये मुद्दे रहे? हमारी अनदेखी किसी भी सरकार को भारी पड़ेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, कांग्रेस को भी ज़्यादा राजी होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी जीत थी न किसी पार्टी की, ये हमने किसी पार्टी को जीताया, हराने वाला केवल कांग्रेस थी, इसलिए हमने कांग्रेस का साथ दिया, इसका कतई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम कांग्रेस के साथ हैं, हम उस हर एक व्यक्ति के साथ हैं जो हमारी समाज की सुनवाई करेगा, हमारे व्यक्ति की सुनवाई करेगा। मेरा निवेदन है आज यहाँ वापस से आपके अजमेर में है, जल्द से जल्द हमारे पीरदान सिंह जी के इस मुद्दे का निस्तारण हो, नहीं तो आने वाले चुनाव में फिर हम बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के नेताओं की अगर आंख नहीं खुल रही है, वो आप सबके सामने, उनका जो रवैया है इतना जबरदस्त हिटलरशाही है, जिसके कारण से हर एक व्यक्ति परेशान है। मेरा आपके द्वारा निवेदन है,
हमारे आम नागरिक की अगर ये लोग आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, ये अंधी बहरी सरकार कोई है, अंधे बहरे कोई नेता कोई है। हर दिन यहाँ कलेक्टर साहब जो ये कलेक्ट्री है, पूरा जिला मुख्यालय यहाँ पे है, 2 साल से व्यक्ति को देख रहे हैं कि आगे फूटी हुई है इनकी, पर किसी के जूनी रंग रही है। क्यों? क्योंकि इन पे जो अनुशासन का जो डंडा चलना चाहिए था वो नहीं चला रहा कोई। तो ये जनता है, ये जनता जनार्दन है, ये राजपूत करनी सेना है, पूरे देश में फैली हुई है, और हम जल्दी इनको अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा वापस से एक सबक सिखाएंगे। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को भी मेरा सीधा सीधा अल्टीमेटम है, और यहाँ के नेताओं को भी, सरकार को भी, हमारे व्यक्ति की इंसाफ हमारे व्यक्ति को मिलना चाहिए। हम केवल यही आपसे यहाँ आके आपके सामने केवल गुहार लगा रहे हैं, एक उम्मीद रख रहे हैं कि हमें जल्द इंसाफ मिलेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे।